जब हम धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सबसे अधिक जो है तो इसके पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी में मिलती है। लेकिन अभी मंच से बात करें या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा से एक चीज कही जा रही है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आए जब, तो उन्होंने देवी माँ आदि शक्ति के दर्शन नहीं किए, जिसकी वजह से वो आहत महसूस करते हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में, अगर नहीं किया उन्होंने तो ये गलत है कि सही है? क्या था, शिवराज सिंह जी की कई सभाएं थी, उनके पास कुल 17 मिनट समय मिला था, हेलीकॉप्टर उड़ने की भी समय सीमा है, कितनी देर उड़ना चाहिए उसको, है ना, इसके बाद उड़ नहीं सकता था, तो इसलिए वो जो है मंदिर नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले माता जी का नाम लिया और भर्जुना माता के नाम से जो है उन्होंने पहली घोषणा की थी, जब आचार संहिता नहीं लगा था, तो उस समय जो है भर्जुना माता जी के स्थान के सौंदर्यीकरण, वहाँ एक यात्री प्रतीक्षालय बनाने के लिए कई लाख रुपए की जो है सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। अब जो है चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू है ना, इसलिए कोई घोषणा तो हो नहीं सकती, लेकिन चुनाव आचार संहिता शुरू होने के पहले हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, माता जी के जीर्णोद्वार के लिए ये पहली घोषणा कोठी से हो चुकी है, उसमें सतत जो है प्रयास चालू है और मुझे आशा है कि पूरी तरह से होगी। मुख्य कारण यही था कि उनके पास यहाँ तक आते आते कुल 17 मिनट समय बचा था, इसके पहले नेताओं ने वक्तव्य अपना दिया, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी के लिए सिर्फ 17 मिनट समय था। अब आप अंदाज लगाइए कि यहाँ से 5 मिनट तो जाते लग जाता, फिर कोई बीच में मिलना जा चाहता है, कुछ है, तो पूरा समय जो है वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन मैं ये सबको आश्वस्त कराता हूँ, जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप वो कांग्रेसी लोग लगा रहे हैं, भाई उन्होंने जो भी काम किया वो माता जी के स्थान के लिए किया, माता जी के स्थान के लिए उन्होंने दूसरी जगह से घोषणा की, जब आचार संहिता नहीं लागू हुई थी तब उन्होंने माता जी का नाम लेकर के भर्जुना माता के जीर्णोद्वार के लिए, आश्रम के जीर्णोद्वार के लिए वहाँ से घोषणा की, भर्जुना के सतत विकास के लिए उन्होंने घोषणा की, हमको इतना ये सब कुछ बनाना है, उसका मैप बन चुका है ना। अब रही जो आपने एक बात पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के धर्म के बारे में पूछा, ये जो है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सभी का है, इसमें सब धर्म के लोगों का स्वागत है, लेकिन हमारा सनातन धर्म पुराना है। राम मंदिर के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी राम मंदिर के लिए, और कांग्रेस पार्टी जो आज धर्म की बात कर रही है, इसने अपनी सारी वकीलों की सेना सुप्रीम कोर्ट में खड़ी करके राम मंदिर के निर्माण के लिए बाधा उत्पन्न करने का सिर्फ काम किया है। मंदिर जो है मंदिर के लिए, धर्म के लिए और सभी के धर्मों के लिए हमारी पार्टी का प्रयास है कि हर धर्म का स्वागत हो, हर धर्म के लोगों का सम्मान हो और हर धर्म को माना जाए। सर्वधर्म संभव। सबका आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। उसमें मैं स्पष्टीकरण देता हूं, मैं अपनी पार्टी के तरफ से, मैं यहां का वरिष्ठ एक कार्यकर्ता या नेता हूं। माननीय शिवराज सिंह जी के पास जो है सिर्फ 17 मिनट का समय बचा था, इसके बाद एक लिमिट होती है कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, तो फिर इसके बहुत बड़ी दिक्कत होती, इसलिए माननीय जी वहां गए नहीं। लेकिन उन्होंने जय माता का नारा अपने उद्घोषण में सबसे शुरू किया और सबसे बाद में भी उनका नाम लेकर के अपनी सभा को विसर्जन किया, और वो अनन्य भक्त भी है, और आशा है कि अभी जब हमारी पार्टी जीतेगी, या बीच में अभी तो दौरा चल रहे हैं, तो वो समय के हिसाब से माता जी के दर्शन करने अवश्य जाएंगे, बाकी हमारे हर नेता वहाँ जाते हैं।